इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी मैदान में आकर राष्ट्रगान कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद शाहिद और इंडिया के कैप्टन गिरीश। अब बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़ते हुए हाथ दिखावटी के लिए हाथ तो मिला लिया, पर दिल मिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बहुत दिलदार खुश मिजाज है इंडिया वाले और ये अंपायर ने पकड़ के उछाल दिया है। देखते हैं टॉस किसके पक्ष में जाता है। और ये पहली बार इंडिया ने मार लिया। बाजी पाकिस्तान नहीं मार रहा है। और ये क्या, पाकिस्तान नहीं मान रहा है, दूसरी बार मरवाने के लिए तैयार है। अरे बाप रे, ये क्या, पाकिस्तान बैट लाके दे रहा हाथ में। फिर से इंडिया मार ले गई पाकिस्तान की। अरे बाप रे, नहीं जैसे हमारे यहाँ तीन तलाक होता है, तीन तलाक से फाइनल होता है, वैसे मानेंगे हम। पाकिस्तानी कैप्टन इस बार भी नहीं मानते हुए ईट लेके आए हैं। तीसरी बार टॉस करने के लिए इंडियन कैप्टन ने बोला अपने सर पर मार लो, उन्होंने उठाया हुआ। इंडियन कैप्टन की बात मानते हुए पाकिस्तानी कैप्टन अपने सर पर चला, देखते क्या होता है दिया और जीत गए पाकिस्तानी बेमानी। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से झूम रहे हैं। इस बार पाकिस्तान के कैप्टन जो टीम के सभी खिलाड़ी खुश नजर आते हुए। तीसरी बार आप लोग मान रहे हो, देखो ये जमीन हमारा, मेजबानी हमारी, सब कुछ हमारा, दौस हमारा, जो हम चाहेंगे यहाँ पे यही होगा। हम आपकी सब बात मान रहे हैं, एक हमारी भी सुनोगे? बॉल तुम्हारा, बैट हमारा, डॉलिंग हम और फटे रखे। देख लेंगे, देख लेंगे, चलो पहले फील्डिंग करेगी। अजय खोपड़ा, मनोज जी अगर इनका नाम है अजय खोपड़ा से कुछ खोपड़ा होता तो क्या नहीं सही ये जो नाम है पहले बचपन में कुछ खोपड़ा मारते थे क्या, ऐसा मुझे भी कुछ लग रहा है, लेकिन देख रहा है फिलहाल आगे क्या करते हैं। ठीक है जी, एक बार फिर यहाँ पे बेहतरीन कैच यहाँ पे विकेट कीपर के द्वारा। इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तानियों को टूटने की रणनीति बनाते हुए लीजिए एक बार फिर हल्के हाथों खेल दिए। यहाँ पे दो रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ। एक बार फिर हम आपको बता दें कि यह मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच 2019 का फाइनल वर्ल्ड कप। और ये मसूद अजहर को टारगेट करते हुए इंडिया वालों ने, और यहाँ पे अंपायर भी इशारे की प्रतीक्षा। रन आउट करा दिए यहाँ पे डायरेक्ट स्टंप पे रखी गेंद। और ये क्या, मसूद अजहर को पेस बॉल के पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी LBW की अपील, जोरदार अपील भारत की तरफ से। अंपायर आउट का इशारा दे रहे थे, उसके पहले पाकिस्तान के कैप्टन ने अंपायर का हाथ पकड़ कर उनके हाथ उन्हें कर दिया। ये क्या, और देर से नहीं मार रहे हैं तो भारत के सभी खिलाड़ी थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किए हैं। देखते हैं क्या फैसला है। डिसीजन दीजिए, LBW है। मैं नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखेंगे? तो मेरे को एडवांस नहीं मिला। कैसा एडवांस? अरे पाकिस्तान का बजट कम है, समझ लो बजट कम है। मेरे को खाने को नहीं मिला, कुछ पीने को नहीं मिला। सर जी बजट का मैं एडजस्ट कर लो। अरे बजट का बजट कम मेरे भाई ले लिया तुम लोग। पाकिस्तान वालों की नाक मंगली करने की आदत गई नहीं है, हर बात मंगली करते हैं। कुत्ते की दो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, कभी वो सीधी नहीं रहेगी। हाल है पाकिस्तान का। चलो इसको खेलने का मौका मिल गया, कोई बात नहीं, खेलो चलो। ओह नो, यहां पे डायरेक्ट फील्डर के हाथ में कैच आउट, कभी ना मौका जाएंगे। ओके कहते हैं करें, ये क्या कर दिया साहब आपने, जहां पे साझेदारी बनाने की जरूरत थी लीजिए वहां पे उठा के मारा गेंद पॉइंटी लाइन के बाहर सीधा छह रनों के लिए। एक बार फिर लगा था ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पे इंडिया के कैप्टन गिरीश द्वारा, बेहतरीन कैच। पवेलियन वापस आएंगे, अभी ये जहां पे मिडिल स्टंप फाड़ बैठे, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी, टोटल स्कोर जहां पहुंचा यहां पे 306 रन पहले बैटिंग करते हुए इंडिया के, बिल्डिंग लगाते हुए वहां पे उप कैप्टन फतेह मोहम्मद पाकिस्तान की तरफ से। अंपायर का सिग्नल हुआ राइट आर्म, ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद यहाँ पे हल्के हाथों खेल दिए वहां पे एक रन आसानी के साथ, दूसरा रन मैच आते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ है यहाँ पे।
बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला है दर्शकों को यहाँ पे। 40,000 की क्षमता रखने वाला ये स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है, दर्शकों की कोई कमी नहीं यहाँ पे। वाह चलिए, एक बार फिर अंपायर रखने हुआ सामने बल्लेबाज, बेहतरीन शॉट यहाँ पे गैप में खेला गया लेकिन अच्छी फील्डिंग। और ये पाकिस्तान का खिलाड़ी बॉल पकड़ रहा है, मेहनत कर रहा है पे, बहुत अच्छी खेल यहाँ पे। हल्के यहाँ पे एक रन यहाँ पे रन का खतरा जोरदार अपील यहाँ पे कैप्टन द्वारा, हर अंपायर का इशारा आउट करार देते हुए मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। एक बार फिर यहाँ पे सोनू का विकेट गिरा है, इंडिया काफी पूरी तरह दबाव में नजर आती हुई यहाँ पे। कैप्टन गए हैं बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर होंगे, कैप्टन के बल्ले से उठा के मारा, नीचे फील्डर मौजूद, देखना है अंपायर की सारी दिशा छह रन। एक बार फिर हल्के हाथों खेल लिए वहां पे, एक रन दूसरा रन नहीं चाहते यहाँ पे, दूसरा रन भी आसानी के साथ साथ पूरा कर लिया वहां पे। यहाँ पे खिलाड़ी मतलब यहाँ पे अपील कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक बार फिर रन आउट का खतरा जोरदार रखे, शायद अंपायर ने आउट करवा दिया है। इस समय भारत को जीत के लिए 6 गेंदों पर 14 रन की आवश्यकता है और स्ट्राइक पर है लुलू, 6 गेंदों पर 14 रन की आवश्यकता है, देखना है पहली गेंद क्या होता है। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी और आसानी से दौड़ कर एक रन पूरा किए और इसी के साथ अब स्ट्राइक पर जो है भारत के कप्तान, देखना है कप्तान अपनी टीम के लिए क्या करता है। और एक गेंद काफी अच्छी गेंद थी लेकिन बीट हुए, और एक दूसरी गेंद ये भी बीट हुए, लगातार दो गेंद दोनों बीट हुए हैं। हेलमेट को सही करते हुए गेंदबाज चले एक बार फिर फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए उनके कैप्टन, अच्छी गेंद यहाँ पे गैप में खेला गया शॉट 4 रन, अगली गेंद यहाँ पे आखिरी गेंद पे 3 रनों की जरूरत है, उठा दिया है, देखते हैं कहाँ जाता है, बहुत ऊपर उठा दिया है और नीचे फील्डर मौजूद है, देखते हैं क्या कैच कर पाते हैं कि नहीं, सीधा उनके हाथों में कैच, पूरी तरह नाखुश नजर आते हुए इंडिया के कैप्टन, खुशी की लहर आ चुकी है यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाड़ियों में। एक गेंदों पे 3 रन की जरूरत थी, वहां पे कैच आउट हुए लेकिन अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा भी करनी होगी, पाकिस्तान के खिलाड़ी में काफी उत्साह, लेकिन यहाँ पे अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर दिया है, थर्ड अंपायर मोहम्मद जी देखना है क्या निर्णय देते हैं। आपने डिसीजन तो दिया नहीं, इस बार आप डिसीजन क्यों दे रहे हो? देखिए पहले तो हम बता दें आपको, बताइए कि इंडिया वाले ने हमको पेमेंट दिया, अच्छा सारी व्यवस्थाएं भी दी जी जी, और हम अपने सही ढंग से जो है डिसीजन भी दे रहा हूं, आप लोग अगर देखना हो तो रिव्यू करके देख भी सकते हैं। दोनों टीमों के बीच हमेशा से यहां पे देख लीजिए कांटे का मुकाबला रहता है दोनों टीमों के बीच में, तार अंपायर यहां पे चेक करते हुए है। जी हाँ, यहां पे नए नियमों के तहत अगर आप गेंद पकड़ने से पहले अगर बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाते हैं तो यहां पे 6 रन करार दिया जाता है। सभी खिलाड़ी खुश नजर आते हुए, पाकिस्तान यहाँ पे काफी निराश नजर आता हुआ, दोनों कैप्टन यहाँ पे आपस में कुछ बातचीत करते हुए। खाना पीना तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारी, सारी व्यवस्था तुम्हारा, कम बजट तुम्हारा। भाई जान अब की बार बॉल नहीं बम फेंकना है, बम ठीक है जरूर फेंकेंगे। हाँ भाई जान इस बार बॉल नहीं बम फेंका जाएगा। तुम लोग यही हमेशा बोलते हो चाहे जंग का मैदान हो चाहे खेल का, आप लोग बोल रहे हो हम लोग डाल के जाएंगे, चलो समय देख लेंगे।